हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट विद ग्रिड मेथड पार्ट 3। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो है शेडिंग की थी अपने स्पेक्स के आसपास, थोड़ा सा लेफ्ट साइड। आज आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपना जो काम है वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है और दोनों चश्मों में आप देख सकते हैं, दोनों स्पेक्स में हल्का फुल्का काम मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है ड्यू टू ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मुझे उसमें पढ़ाना पड़ा था। तो आज यहाँ पर ये जो बीएड वाला पार्ट है और ये जो नोस की शेडो का है, इसको दोस्तों हम जो है कंप्लीट करते हुए चलेंगे और देखेंगे कैसे हम जो है प्रोसीड करेंगे इस एरिया को। तो हमें दोस्तों सबसे पहला काम करना क्या है कि भाई जितना भी हमें इसमें जो मूछों वाला पार्ट है और जो दाढ़ी वाला पार्ट है, यानी कि मुस्टैच एंड जो बियर्ड है और नोज़ की तरफ और ये जो चिक्स की तरफ जो भी शेडो वाला एरिया है, उसको जो है शेड करते हुए चलना है एंड उसको ब्लेंड करना है। तो मेन बात ये है दोस्तों कि आप जब भी किसी काम को लेयर बाय लेयर आगे बढ़ाते हैं, तो हमेशा पहले जो डार्क और मीडियम शेड हैं उनको कंप्लीट करते हुए चलते हैं, सो डैट आपका जो ओवरऑल व्यू ऑफ पोर्ट्रेट है वो मैच होने लगे एंड लाइट्स एंड डार्कनेस एक तरफ अलग अलग अच्छे तरीके से दिखाई दें। तो बेसिकली दोस्तों बात तो और सारी कंट्रास्ट की है और लाइट को बैलेंस करने की है, कि अगर आपकी लाइट बैलेंस है और आपकी डार्क शेड बढ़िया तरीके से आपने की हुई है, वो भी बढ़िया मिक्सिंग के साथ, तो आपका पोर्ट्रेट अच्छे तरीके से नज़र आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भाई, आँखों के आसपास भी जो मैंने एरिया किया है वो लास्ट क्लास के मुकाबले बस ज़्यादा हाईलाइटेड है, हालाँकि कंप्लीट अभी भी नहीं है दोस्तों ये, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में दोस्तों जैसे मैंने सीधी सी बातें आपको बताया भी था कि ये पोर्ट्रेट मैं ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंगली जो है काम कर रहा हूँ इसमें, और ऑनलाइन क्लास में जितना भी काम होता है फिर उसके बाद जो मुझे थोड़ा बहुत पार्ट करके घर पे रख के रेडी करना होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से मैं अपनी जो शेड है वो 8B पेंसिल और 10B पेंसिल को यूज़ करते हुए यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। फ़िलहाल मेरे पास जो है वो 8B पेंसिल है आर्ट लाइन की तरफ से, और ये जो मीडियम एंड डार्क शेड है ये मैं इसी से कंप्लीट करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि 6B जो है ना दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाएगी मतलब मेरी शेडिंग के कंपेरिजन में, और मुझे थोड़ा सा डार्क कंट्रास्ट चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ पर पेंसिल यूज़ की है 8B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे मैंने काम किया है वैसे ही वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप शेड अपना अच्छे तरीके से लगाते हुए चलें, देखते हुए चलें, और जब आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा ली हैं, अब देखिए जैसे यहाँ नोज़ के आसपास का एरिया मेरा मुझे लगता है लगभग अब फिनिश हो गया है, तो थोड़ा बहुत जो शेड बचा हुआ है बाकी सब चीज़ें हैं उसको भी मैं कंप्लीट करता हुआ चलूँगा, और अब पेपर स्टम्प की हेल्प से दोस्तों मैं इस एरिया को ब्लेंड कर दूँगा, क्योंकि ये एरिया ना काफ़ी ज़्यादा डार्क है। अगर मैं इसको कॉटन से ब्लेंड करूँगा तो कॉटन यार मेरे डार्क शेड को ना थोड़ा लाइट कर देगी। कॉटन की ये क्वालिटी है कि वो जितने भी डार्केस्ट शेड आप लगा लो वो उसको थोड़ा सा लाइट कर देती है, और पेपर स्टम्प की ये क्वालिटी है कि ये उस शेड को मेंटेन रखती है। जैसी आपने पेंसिल शेडिंग की होगी वैसी की वैसी ही ये जो है पेपर स्टम्प रखेगा, और मतलब डार्कनेस तो अच्छी हो ही जाएगी और बाकी फिनिशिंग आपको अच्छी मिल जाएगी। तो यहाँ पर एरिया छोटा है दोस्तों, इस वजह से मैंने पेपर स्टम्प यूज़ किया है, बट अगर एरिया बड़ा होता तो डेफिनेटली दोस्तों मैं पहले कॉटन यूज़ करता और उसके बाद पेपर स्टम्प्स को यूज़ करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पेपर स्टम्प से मैंने हल्का फुल्का शेड नोज़ के आसपास, अब जो भी नोज़ के अराउंड जो भी सराउंडिंग में एरिया है वो मैं अपना करता हुआ चलूँगा पेपर स्टम्प के साथ, सो डैट थोड़ी सी फिनिशिंग मेरे चेहरे में आनी शुरू हो जाए। नोस्ट्रिल्स को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं, और पेपर स्टम्प यार सच में मतलब एक अच्छा टूल है, लिटरली एक अच्छा टूल है ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि कई पोर्ट्रेट्स तो सिर्फ पेपर स्टम्प की वजह से ही कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप जो है दूसरा कोई टूल यूज़ करें। तो यहाँ पर नोज़ की ये देखिए एक साइड बिल्कुल ही ज़्यादा लाइट है, रेफरेंस मतलब पोर्ट्रेट में भी मुझे नज़र नहीं आ रही है दोस्तों यहाँ पर शेड, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली दोस्तों थोड़ा सा शेड यहाँ पर लगा रहा हूँ और ईयरबड का यूज़ करते हुए, क्योंकि कॉटन है तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर मेरी शेड एक जो लाइट शेड मुझे चाहिए होगी कि लाइक अगर मैं यहाँ पर इरेजर चलाऊँगा तो वाइटनेस नज़र आएगी, ऐसी वाली एक लाइट लेयर लगा देता हूँ, है ना। तो ये मैंने लगा दी है, और ये लाइट लेट शेड जो है लगा लेने के बाद अब जो मूछों पे और दाढ़ी पे और गालों पे जो मुझे काम करना है उसके लिए अब मैंने यहाँ पर पेंसिल अपनी यूज़ करनी शुरू कर दी है फिर से, अगेन 8B पेंसिल है दोस्तों, और जो मैंने जितने भी एरिया में ये मुस्टैच आपको नज़र आ रही है
दाढ़ी आपको नज़र आ रही है, मैं इतने एरिया में शेड करता हुआ चलूँगा। शेडिंग की कोई मेरी ऐसी डायरेक्शन नहीं है जो कि मैं पर्टिकुलर फॉलो कर रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि मैं स्लांटिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली शेड कर रहा हूँ। और मेरे दिमाग में इस टाइम बिल्कुल भी कोई ये ख्याल नहीं है कि यार मुझे शेडिंग को ऐसे करना चाहिए, शेडिंग इस तरीके से करनी चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई मैं शेडिंग उसी एरिया में करता हुआ चलूँ जो एरिया मैंने यहाँ पर मार्क किया है। बस आपको शेडिंग का कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाना पड़े तो बढ़ा लीजिएगा, सेकंड लेयर में बढ़ा लीजिएगा, बट फर्स्ट लेयर में आप बस शेडिंग करते हुए चले लाइटली। तो इस तरीके से दोस्तों हम शेडिंग करेंगे पूरे पार्ट में, और पूरे पार्ट में जब अच्छे तरीके से शेड हो जाएगा तो फिर उसकी जो ब्लेंडिंग है फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से लिप्स के कॉर्नर को भी थोड़ा सा टच करते हुए मैंने शेडिंग की है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्कनेस की वजह से छिप जाएंगे, लिप्स के एंडिंग पॉइंट हमें नज़र नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये शेडिंग का प्रोसेस जब हम करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से ये अब नज़र आ रहा है, आने लगा है। और नीचे का अब जैसे ये जो दाढ़ी वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है। अच्छा, कईयों की दाढ़ियाँ हमेशा आप नोट करेंगे, दाढ़ी जो है ना हमेशा नीचे जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डार्क आपको फील होगी, और जितना वो बाल ऊपर की तरफ आते हैं तो वो हल्का हल्कापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो नीचे से तो आप एकदम डार्क रखें दाढ़ी को, और थोड़ा ऊपर आते हुए लाइट कर दीजिए, क्योंकि प्रोफेसर की यहाँ पर दाढ़ी थोड़ी सी लाइट है, तो हमें वो जो बाल है ना एक एक बाल जैसे जो मतलब दाढ़ी में से निकलता है वो फील हमें देना है, तो इसलिए हम ऊपर जाते हुए थोड़ा सा लाइट शेड रखेंगे और नीचे से अपना जो है इस तरीके से शेड करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए,
अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो लिप्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब लिप्स हो जाने के बाद इसमें जो लेयरिंग हमारी बची है वो सीधा बीयर्ड बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको बीयर्ड कैसी बनती हुई नज़र आएगी। और तो अभी तो दोस्तों हमारा जो चेहरे में है वो एक तरीके से एक शेड तैयार हो गया है, नेक में भी शेड लग चुका है, राइट। तो ये जो पार्ट है दोस्तों नीचे का कोट वगैरह ये मैं आपको दिखाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।